Okay, let's do the third and fourth part. माइनस एट अपॉन 19 प्लस माइनस टू अपॉन 57। अब देखिए यहाँ पे अगेन दो साइन एक साथ हैं, सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। माइनस एट अपॉन 19 प्लस माइनस माइनस टू अपॉन 57। सेकेंड स्टेप एलसीएम निकाल लेते हैं 19 एंड 57 का। तो 57, ठीक है, 57 और 19 का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, 19 under 19, 19 3 57 एंड, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 19 into 13 is 57, या फिर आप 57 का टेबल पढ़कर 57 into 1 यहीं पर छोड़ देते हैं और उसके बाद 19 under 19, 19 2 38 and 19 3 57। तो ये जो 57 है ये पहला नंबर होता जो दोनों के टेबल में कॉमन होता, तो ये कॉमन मल्टीपल हो जाता, तो आप इसको एलसीएम ले सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, कुछ इस तरीके से एलसीएम लिया है। अगर आपको नहीं समझ में आता जल्दी से कि इसका एलसीएम कैसे लेना है, तो आप अपने एज यूजुअल जो आप वे यूज करते हैं उससे आप एलसीएम निकाल सकते हैं। नाउ 57 मल्टीप्लाई करिए 3 से, तो न्यूमरेटर को भी 3 से, ये ऑलरेडी 57 है, जब ये सेम है तो इसको भी सेम रखेंगे, ठीक है, ये डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को भी सेम रखेंगे। अब हम न्यूमरेटर्स चेंज करते हैं, माइनस 8 into 3 - 24 - 2। देखिए जहाँ हमारा डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ वहाँ हमने न्यूमरेटर को भी चेंज नहीं किया। माइनस माइनस प्लस 24 + 2 = 26, साइन कौन सा लगेगा, दोनों में से जो भी बड़े नंबर के आगे साइन है, माइनस 26 upon 57। तो इस तरीके से हमने जो है ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप फोर्थ पार्ट, माइनस 7 upon 26, क्योंकि दो साइन है तो उनको एक साइन में कन्वर्ट करें, प्लस माइनस माइनस 11 upon 39। सेम वे आप 39 का टेबल पढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको 39 का टेबल नहीं आता है तो हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं, 13 39, ठीक है, 3 से कर लेते हैं, 3 under 3 = 9 and 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 into 6 is 78, ठीक है, तो ये जो एलसीएम है आपका कितना हुआ, 78। चलिए इनको 78 में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर बता दूँ, अब आपको नहीं पता कि 26 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी तो 78 आएगा, या 39 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 78 आएगा, तो उसको हम यहाँ से देखते हैं, 13 into 2 into 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया कितना आया, 78। मतलब ये कि अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 78। ओके, अब ये कितना है, 26। देखिए 13 into 2 कितना हुआ, 26 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया तो 78 आया, 3 से, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। जो नंबर जो इसके फैक्टर्स आए ना उसी में से हमने फाइंड आउट कर लिया कि 26 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी तो 78 मिलेगा। अब ये क्या है, 39। देखिए 13 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 39। 39 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 2 से, तो क्या मिलेगा, 78। तो 39 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो देखिए यहाँ पर जो एलसीएम वाले जो हमने एलसीएम निकाला था उसके जो फैक्टर्स हैं उन्हीं से आपको पता लग जाता है कि इनको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो क्योंकि डिनोमिनेटर्स चेंज हो रहे तो ऑब्वियस है न्यूमरेटर्स भी चेंज होंगे, 7 3 = 21, 11 2 = 22, माइनस माइनस प्लस 21 + 22, 43। साइन कौन सा लगेगा, दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसके आगे वाला साइन, माइनस 43 अपॉन 78। तो
ये तरीका था सिंप्लीफाई करने का, ऐसे ही आप एडिशन कर सकते हैं, ऐसे ही आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अगर आपको ये सब समझ में आ गया है तो आप आगे के पार्ट सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से।